और इस बीच एक बड़ा अपडेट दे दें आपको, आखिरकार समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया है। उन्होंने लिखा, आजम खान जी की जमानत पर रिहाने पर उनका इस्तकबाल है। जमानत के इस फैसले से अदालत उज़्मा ने इंसाफ को नया मयार दिया है। पूरा एतबार के कि वो सभी झूठे मामलात और मुकदमात में परी हो जाएंगे। झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया है। यह बड़ा अपडेट आपको दे रहे इस वक्त का। उन्होंने लिखा, आजम खान जी की जमानत पर रिहा होने पर उनका इस्तकबाल है। जमानत के इस फैसले से अदालत उज़्मा ने इंसाफ को नया मयार दिया है। पूरा एतबार है कि वो सभी झूठे मामलात में बाइज्जत बरी हो जाएंगे। झूठ के लम्हे होते हैं, सदिया नहीं। ये ट्वीट किया है समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने। आखिरकार उनके जानिब से ट्वीट आ ही गया। इस पर मुसलसल बात हो रही थी कि क्यों नहीं उन्होंने अपने लीडर की रिहाई पर खुशी का इजहार किया है। तो ये ट्वीट क्या है अब समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने। बड़ा अपडेट आप इस वक्त का देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। उन्होंने लिखा, झूठ के लम्हे होते हैं, सदिया नहीं। आजम खान की रिहाई पर इस्तकबाल है। आजम खान जी की जमानत पर रिहा होने पर उनका इस्तकबाल है। ये ट्वीट अखिलेश यादव का आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमानत के इस फैसले से अदालत उज़्मा ने इंसाफ को एक नया मयार दिया है। पूरा एतबार है कि वो सभी झूठे मुकदमात से बाइज्जत बरी हो जाएंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है, ट्वीट किया है समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने। तमाम बड़े अपडेट आपको दे रहे हैं। आखिरकार समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं हम, किस तरह उन्होंने रद्देअमल का इजहार किया है आजम खान की रिहाई पर। अखिलेश यादव ने लिखा, आजम खान जी की जमानत पर रिहा होने पर उनका इस्तकबाल है। जमानत के इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने न्याय को, इंसाफ को नया मयार दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि पूरा एतबार है कि सभी मामलात से बाइज्जत बरी हो जाएंगे आजम खान। तो ये ट्वीट आया है अखिलेश यादव की जानिब से। ये बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का दे रहे हैं। उन्होंने लिखा, आजम खान जी की जमानत पर रिहा होने पर उनका इस्तकबाल है।